ये देखिए कि आपके जो भगवान है उन्होंने आपको तथास्तु कहा है, आशीर्वाद दिया है और वो शक्ति आपके शरीर में आ रही है। और आपके जो ये जॉइंट्स हैं, जैसे मेरे ये जॉइंट्स हैं, तो आपके हाथ शरीर में जहाँ भी जॉइंट्स हैं वहाँ ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रही हैं, नेगेटिविटी नष्ट हो रही है और सभी ब्लॉकेजेस खुल के चैनल्स खुल रहे हैं, ठीक है। और जब चैनल खुलेंगे, पाथवे खुलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रवाह सुचारू रूप से होगा, ठीक होगा। और शक्ति का प्रवाह जब ठीक होता है तो सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस संपूर्णतः ठीक हो जाते हैं, बॉडी ठीक से काम करती है, बॉडी फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिए मानस साधना में। और चैनल जैसे ही खुलेंगे, आपके घुटने, आपके पैर, हाथ, जहाँ भी आपको दिक्कत है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मानस साधना कीजिए। कई बार एक से अधिक बार आपको करने से या कई बार करने के बाद चैनल खुलेंगे, पर उसको कंटिन्यू कीजिए। जब तक आपको ये आभास होना शुरू नहीं होता कि मानस साधना में मिली हुई शक्ति अब आपके शरीर में है, पॉजिटिविटी, एक अच्छी शक्ति आई है, पवित्र महसूस हो रहा है, शक्ति आती हुई महसूस हुई, ठीक है, या आप जो जाप कर रहे हैं उसका प्रभाव उस शक्ति को भी महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, पूरे शरीर में ही, या आप कमांड करके जब पानी पीते हैं, ओम सिद्ध गोरक्षनाथाय नमः बोल के जब पानी पियेंगे 2 मिनट 5 मिनट, तो पानी पीते ही आपको आपके शरीर में कहाँ कहाँ वो शक्ति पहुँच रही है, पैरों तक, वो महसूस होगा, ठीक है। तो जहाँ अगर आपको महसूस ना हो तो यानी कि उन चैनल्स को भी खोलने की ज़रूरत है, और जहाँ आपको प्रवाह महसूस हो रहा है यानी कि वो चैनल खुल गए हैं, तो और कंटिन्यू कीजिए ये प्रार्थना। और स्पेसिफिकली अगर आप करें तो आप ये प्रार्थना किसी भी, जहाँ भी आपको महसूस होता है कि तकलीफ़ है, तो उस बॉडी पार्ट पे अपने दोनों हाथ या एक हाथ राइट हैंड रख के और ये प्रे करें कि मेरे सभी चैनल खुल जाएं, मेरे सभी चैनल खुल जाएं, मेरे सभी चैनल खुल जाएं। फिर 10 सेकंड का वेट कीजिए, 10 सेकंड के बाद फिर से प्रार्थना कीजिए कि मेरे सभी चैनल खुल जाएं, मेरे सभी चैनल खुल जाएं, मेरे सभी चैनल खुल जाएं। तो उससे वो उस जगह के चैनल और पूरे शरीर में भी वो शक्ति काम करेगी, वो प्रार्थना काम करेगी, आपके उस स्थान के और पूरे शरीर के चैनल भी खुल जाएंगे। अब जैसे जैसे चैनल खुलेंगे आपका वो बॉडी पार्ट स्वस्थ होता चला जाएगा, स्ट्रेंथन होता चला जाएगा, ठीक होता चला जाएगा। जिनको पैरालिसिस है या जिनको कोई बॉडी पार्ट वीक है ड्यू टू समथिंग, तो उसका रीज़न भी यही है कि वो चैनल ब्लॉक है। तो चैनल खोलिए और लाभान्वित।